अपन चलने वाले हैं नागपाड़। और ये देख सकते हो मेरे साथ पीछे नागपाड़, तो अपन इसके ऊपर चलने वाले हैं और वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको किस प्रकार है आज। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, मतलब बहुत ही शानदार होने वाला है कि आज हम आपको जन्नों का एंड ये देख सकते हो इतना ऊंचा पहाड़ के ऊपर जाके वहाँ के जन्नों का नज़ारा दिखाने वाले हैं। कैसे यहाँ का पहले वाला व्लॉग भी डाला हुआ है मैंने, लेकिन आज फिर से आ चुका हूँ। ऊपर चलते हैं और ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं आपको किस प्रकार है और वहाँ की लोकेशन कैसी है और वहाँ के पहाड़ कैसे। और वहाँ पे पहाड़ तो बहुत ही शानदार है गाइस, और वहाँ के जन्ने आपको दिखाने वाला हूँ कितने शानदार है। और अभी देख सकते हो आज सभी मतलब बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ही शानदार देख सकते हो ऊपर। तो आज सभी लोग यहाँ पे इंजॉय करने हैं, घूमने आए हुए, तो वहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ आपको। तो चलो वीडियो अंदर बने रहो और चलते ऊपर और ऊपर से दिखाते हैं आप किस प्रकार। तो चलो चलते ऊपर ऊपर और ऊपर का नज़ारा दिखाता है आपको। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब करना। चलो बने रहो वीडियो के अंदर, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उसके अंदर चलते हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाता है किस प्रकार है। तो ये देख सकते हो ये गुफा, तो ये देख सकते हो इधर गुफा बहुत ही डरावनी और बहुत ही शानदार। ये देख सकते हो इधर से देख सकते हो पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खतरनाक है। तो अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाता है आपको किस प्रकार। तो ऊपर आ चुके हैं बिल्कुल नाग पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ों से जो बारिश के पानी से झरने बह रहे हैं तो उस प्रकार। तो अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पर अपना शूज़ उतार देते हैं और फिर चलते हैं अंदर। तो ये यहाँ पे उतार दिए अपने शूज और ये है वो रास्ता अंदर जाने का। तो अंदर चलते, तो ये देख सकते हो इस आ ही चुके हैं अपन। ये देख सकते हो बिल्कुल चट्टान, देख सकते हो बारिश के पानी से बिल्कुल भीग चुकी है लाइट गुफा। अपन गुफा के अंदर जाके आ चुके हैं और अंदर एक पंडित जी वो प्रसाद दे रहे, तो प्रसाद ही खा चुका हूँ। और अपन गुफा का नज़ारा देख चुके हैं और वापस चल रहे हैं।
पहाड़ी इलाका देख सकते हो इधर से, चारों तरफ से बहुत ही शानदार पहाड़ है, तो देख ही सकते हो वीडियो के अंदर। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो प्लीज़ बने रहो वीडियो के अंदर। अपन नीचे आ चुके हैं और ये खड़ी है अपनी बाइक, तो अपन अब चलने वाले वापस कहीं दूसरी लोकेशन पे। और ये देख सकते हो यहाँ से पानी आ रहा है और इधर ये पुष्कर के अंदर जाता है गाइस, जो पुष्कर सरोवर है ना, इसी पहाड़ों का पानी पुष्कर सरोवर के अंदर जाता है। ये देख सकते हो जो कि नाला है, इसी नाले के द्वारा पुष्कर के अंदर जाता है पानी, जैसे पहाड़ से पानी आता है सीधा और इसी नाले के अंदर जाता है और नाले से सीधे पुष्कर सरोवर के अंदर जाता है। तो देख सकते हो ये इधर जो रास्ता जा रहा है पुष्कर सरोवर की तरफ जाता है। और ये देख सकते हो इधर बाइक आइक है एंड इधर देख सकते हो पूरी बाइक है और बहुत ही शानदार नज़ारा हो रखा है यहाँ का। देख सकते हो कितनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई, पीछे देख सकते हो जैसे मेला भरता है ना गाँव, मतलब छोटा सा गाँव में मेला भरता है उसी प्रकार हो रखा है। और ये खड़ी अपनी बाइक, तो बाइक लेते हैं और आगे चलते हैं लोकेशन पर। और अभी तो नाले के अंदर इतनी पानी नहीं है गाइस, क्योंकि अभी बारिश आने का मौसम हो रखा है, तो बारिश भी आ सकती है। और इधर देख सकते हो जो इस नाले से जाता है पुष्कर सरोवर के अंदर पानी, और अपन ऊपर चल के आ चुके हैं इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर। तो प्लीज़ इस व्लॉग को सपोर्ट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब कर देना, बार बार बोलता हूँ गाइस सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो मिलता नेक्स्ट रूम, जय हिंद जय भारत जय श्री राम जय पुष्कर।